कौन है? कौन है तुम? मेरी तरफ, मेरी तरफ बनाओ ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी यूनुस कियानी इलाक से, और आज मैं अपना बहुत टाइम के बाद ना व्लॉग बना रहा हूँ। गांव जा रहा है तो पोतियाँ हो गई थी काफ़ी सारी ना, मैंने कहा है चलो ओके आता हूँ और साथ आप लोगों से भी रब्ता करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मेरी कोई वीडियो नहीं थी मसरूफियत की वजह से, तो आज मैं ये गांव जा रहा था तो मैंने कहा है चलो ठीक कोई गप शप लगा लेते हैं आप लोगों के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं गाँव, मैं और श्याम भी साथ है, बाकी उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब लोगों को ईद की मुबारक और पेश की एडवांस ईद मुबारक। बाकी अभी आप गांव का थोड़ा सा रास्ता शास्ता भी दिखाएंगे, हमारे गांव की रोड शोड थोड़ी सी आगे जाके ना गड़बड़ा तो बना रहे हैं नहीं, बाकी फिर वापसी पे भी आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो रास्ते की बना के दिखाते रहेंगे बाकी बाद में। और अभी श्याम की मैंने ड्यूटी लगाई है कि ये थोड़ी थोड़ी ना आगे वीडियो बनाता रहे, ये ठीक है। वीडियो थोड़ी पास ब्रेक कर 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 अभी हम आ गए हैं ये इधर माड़ी पेट्रोलियम का ना ये वेल है, तेल निकला हुआ है यहाँ पे, तो गांव जाते हुए ये रास्ते में आता है। और शाहबुद्दीन गोरी का मकबरा भी है, वो भी आपको दूर से थोड़ा सा दिखाएंगे। तो ये है जनाब इधर इधर से ना माड़ी पेट्रोलियम की कंपनी है, तेल निकला हुआ है। हमने शाहबुद्दीन गोरी उधर की भी एक हमने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं, डिटेल से देख सकते हैं। हमने बनाई हुई है शाहबुद्दीन गोरी के मकबरे का ना एक पूरा रिव्यू बनाया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे भी जाके ना उसको देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर एक ट्विस्ट भी है। कमेंट सेक्शन में आप जाके पढ़िएगा कि मैंने वहाँ पे क्या डाला हुआ है, और वो और जो भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है कमेंट्री जो मैंने डाली हुई है वो सब सच है। आप हमारी चैनल में जाके उधर वीडियो में देख सकते हैं।
काफी लोगों ने वो हमारी वीडियो भी देखी है, पॉपुलर भी है वो। ये देखिए छोटा सा डैम बना। देख सकते हैं ये थोड़ा यहाँ से दिखता है, वो एक मस्जिद दिख रही है। ये रास्ता जाता है शाहदीन गोरी। वो आप देख सकते हैं थोड़ा नजर ना आ रहा है। जूस नहीं थोड़ा सा रहते आगे भी। अच्छा क्या क्या लिया खाने के लिए? ओरियो बिस्किट और चॉकलेट वाले और डे फ्रेश मिल्क और बस और कुछ नहीं। आंटी थोड़ा उधर रुक जाएंगी कपड़ा पहन। ये हमारे इलाके की ना ये रोड है, थोड़ी सी 5-6 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर का मेरे ख्याल टुकड़ा है ये। तो ये एक साल हो गया तकरीबन इसको इसी पोजीशन में। ठेकेदार आता है थोड़ा सा काम करके फिर भाग जाता है, थोड़ा सा आता है फिर भाग के चला जाता है। तो मैं जो है ना ये हायर अथॉरिटी से ये भी बताना चाहता हूँ कि जब बारिश हो जाती है ना तो यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। पिछली ईद पे मैं आया था घर तो इसी तरह ये जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से हम वापस गए थे, गाड़ियाँ फंस रही थी, मोटरसाइकिलों वालों को मसला हो रहा था। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ये भाग जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा ना जो भी देख रहा है वो ना वीडियो शेयर करे कि ये देखें जी ये करुंटा से लेकर ना खड़ेवड़ तक हमारे गांव की जो सड़क है ना ये बना रहे हैं। तो एक साल हो गया है तकरीबन, एक साल से ऊपर हो गया है तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोसेस पे ही है इसी तरह ही है। तो ये अगर कोई देख रहा है तो काइंडली मेहरबानी कीजिएगा ताकि ये जो रोड है ना लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाए इससे। ये सारी उखड़ी हुई थी तो ठेकेदार साहब जो है ना आते हैं अपनी मर्जी से काम करते हैं फिर चले जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। हालांकि यूरोपियन कंट्री में बाहर कंट्री में जितने भी मुल्क हैं ना वहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जब रोड वो ख़त्म करते हैं तो उसी टाइम बन जाती है। अभी मेरी सिस्टर उस दिन बता रही थी कि यूके में ना हमारे घर के सामने उन्होंने रोड बनानी शुरू की, तो रोड जब बनानी शुरू की उन्होंने तो उन्होंने कहा है जी कि वो गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है इसको ज़रा साइड पे करें हम रोड बनाएंगे। वो सुबह आए और तकरीबन कहती है कि असर की नमाज से पहले पहले वो रोड बना के चले भी गए थे। तो ये हमारा देख लें आप अलमिया है कि ठेकेदारों को कोई पूछता ही नहीं है, गवर्नमेंट की दूसरी आ गई है फिर भी जो है ना इस पे अमल नहीं हो रहा है। तो ये हमारे गांव के लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात है इसमें, जब बारिश हो जाती है तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। बाकी व्यूअर्स ये मैं आपको अपने इलाके का ना दिखा रहा हूँ, ये देखें साइड पे दरख्त हैं, ग्रीनरी है और
इसको फ्लाई कहते हैं, फ्लाई करना होता है। और जो भी बाहर मुल्क के लोग देख रहे हैं जिन्हें उर्दू नहीं समझ आ रही, उनके लिए हम कैप्शन भी डाल देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे ताकि उन्हें भी समझ आ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। और आप सारी जगह जो भी वीडियो देखते हैं उसको दिखाएं, सारी जगह वो शेयर करें, फेसबुक पे कर दें या हर किसी को शेयर करें। कम से कम ये हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज दें, ताकि आपकी सपोर्ट से मेरा चैनल जो है ना ग्रो करे, और व्यूज़ देखेंगे तो मेरे इस पे जो है ना वो पैसे भी बनेंगे। अभी व्यूज़ मेरे बहुत कम हैं इस पे, तो इस वजह से अभी जो है ना वो काम माशाल्लाह लेट से लेट हो रहा है। ये हम पहुंचने वाले हैं खरोट, यहाँ पे थोड़ी बहुत तो रोड पक्की हुई है, थोड़ी बहुत। जब ये रोड बनने वाली थी आपने देखी, अभी यहाँ पे थोड़े पत्थर। पिछली बार हम लोग अपने आए थे अपने कजन के साथ, तो ना उन जब हम आए थे तब ये रोड मतलब पूरी देखिए यहाँ पे कैफे भी बन गए, और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा है। थोड़ी धूप भी पड़ी हुई है, हालांकि गर्मियों का सीजन चल रहा है यहाँ पे। मतलब बस यहाँ तक उधर टूटा से लेकर यहाँ तक सारी जगह पत्थर ही पत्थर। हालांकि हम लोग गाड़ी की स्पीड बस 20 किलोमीटर पे हम लोग चला रहे थे, इतना हमें आधा घंटा लग गया सर। ये भी डैम यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डैम भी बन रहा है शीशा उधर, इनका काम भी बहुत। अभी हम गांव पहुंच चुके हैं, इस गांव में जब हम निकलेंगे वापस तब आपसे मुलाकात कीजिए ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पूरा दिन हमारा खरियोट गुजरा है, और अब हम लोग उधर से वापस आ रहे हैं कुंटा से। अब अभी 16 किलोमीटर हमारे से दूर है, और हम सावा घर जा रहे हैं अपने। मैं और श्याम अभी हम ये गांव है यहाँ पे ना, तो गांव में ये पिज़्ज़ा शॉप है, पिज़्ज़ा सेंटर है एक बना हुआ है। तो मैं और श्याम कहता है मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने अभी पिज़्ज़े का ऑर्डर कर दिया है। तो ये सारा जी माहौल है, ये सारा हम छत पे बैठे हुए हैं, तो छत पे बैठ के ना अभी हम खाएंगे पिज़्ज़ा। और ये है ये नीचे, वो देखिए आप बत्तख आपको दिखाता हूँ, ये जी ये बत्तख हैं छोटी छोटी, वो नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये भी आएगा पिज़्ज़ा, आपको फिर दिखाते हैं।
ये आपको पिज़्ज़ा फिर दिखाते हैं। श्याम ने अभी कहा कि मैंने फ्राइज भी खानी है, पिज़्ज़ा भी खाना है, और हम अभी इधर बैठे हुए हैं गाँव में, तो ये हम इधर आए हुए हैं। पिज़्ज़ा आता है तो फिर आपको पिज़्ज़ा भी दिखाते हैं। बोलो ना। हाँ, वो मुदस्सर आता था ना। अच्छा, पिछले हफ्ते जब आया था मुदस्सर, वो उसे भी पिज़्ज़ा खाने का दिल करता था, वो भी इधर ही आता था, बोले वो आ जाता जी। हम जा रहे हैं वापस, और हम जा रहे हैं वापस अभी, वो इधर तो मंडी लगी हुई है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी करें, मुझे व्यूज भी दें, ताकि मेरा चैनल जो है ना वो ग्रो करे, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो अभी इजाज़त मांगते हैं आपसे, तो अंधेरा भी हो रहा है, अभी जा रहे हैं वापस घर। सबसे इजाजत चाहते हैं, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।